हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हो? ठीक ठाक। आज इस वीडियो में देखिए आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। एक फैन का मोटर है जिसमें क्या प्रॉब्लम है देखिए। तो ये देखिए, ये चल रहा है। अब आप अगर ये सोच रहे कि चल रहा है तो उसमें नया क्या है, उसका जो स्विच है दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चल रहा है, ये देखिए, ये स्विच को जब हमने स्लो किया है तब ये उल्टा चलने लगा है। अब ये सीधा चल रहा है, जब हाई में किए तो ये सीधा चल रहा है, ये ऑफ हो गया। अब ये देखिए, ये उल्टा चलने लगा। उल्टा और सीधा के लिए हमने इसमें एक धागा लगाया है ताकि चलते समय आपको पता चले। ये देखिए, इस तरफ का चल रहा है ये, अभी देखिए ये उल्टा चलने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए इसको चेक करेंगे कि आखिर ये फॉल्ट कहां से है। स्विच से है, कैपेसिटर से है या मोटर से है? देखिए अभी उल्टा चलने लगा। अब ये सीधा चल रहा है, ये दोनों तरफ का चल रहा है सिर्फ स्विच को घुमाने से। इसके लिए अब इसका कनेक्शन समझिए, कहीं कनेक्शन गलत तो नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है? ये दोनों कैपेसिटर को एक किया गया है, इस पे सप्लाई दोनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर के साथ, एक वायर मोटर वाला और एक कैपेसिटर स्विच में अकेला है, और दूसरा सॉरी तीसरा जो पॉइंट स्विच का है उस पे मेन सप्लाई है। तो कनेक्शन तो सही है और एक सप्लाई का जो मेन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सब कनेक्शन जो है सही है। अगर आप ये सोच रहे कि दो रेड है, ये दो ब्लैक है, एक रेड है, तो रेड मेन होना चाहिए, तो रेड इसका मेन नहीं है, मेन इसका ब्लैक ही है, तो कनेक्शन का भी फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट जो है वो इसका स्विच से है। अब हम आपको दूसरा स्विच लगाकर और चलाकर दिखाएंगे सही, हाई और लो और ऑफ। तो ये वो दूसरा स्विच है जिसमें कनेक्शन करके और हम चलाकर दिखाएंगे। इसका जो कनेक्शन था हमने सेम ही रखा है, कनेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ स्विच को चेंज किया है। ये देखिए, एक के साथ दो कैपेसिटर, ब्लैक के साथ रेड को एक सप्लाई और कैपेसिटर, एक कैपेसिटर अलग केला और एक मेन सप्लाई, और एक ब्लैक पे यहाँ मेन सप्लाई। अब चलाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए, कनेक्शन जो है जैसे था जैसा ही है। एक ब्लैक के साथ दो सप्लाई कैपेसिटर का, एक रेड एक कैपेसिटर, और एक सिंगल कैपेसिटर, एक मेन सप्लाई और एक ब्लैक के साथ इधर मेन सप्लाई, ये वाले।
और इसमें हमने धागा लगा दिया ताकि आपको पता चलेगा। तो अब लगाते हैं कोड। तो ये देखिए ये सही चल रहा है। अब हम इसको स्विच को चेंज करेंगे। देखिए चेंज किए, इसके बाद भी ये स्लो हो गया सिर्फ, लेकिन चल रहा है, सीधा ही चल रहा है। और ये तेज हो गया, ये स्लो। और ये ऑफ। ठीक है, देखिए ये ऑफ हो गया, ये हाई, ये लो। लो, हाई और ये ऑफ। तो ये स्विच का ही फॉल्ट था इसमें। तो इसका जो प्रॉब्लम था उल्टा चलने वाला, वो ठीक हो चुका है। देखिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।